विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश गणेश, ये तुम्हारी कैसी उदंडता है? कदाचित दोष तुम्हारा नहीं, मेरा और मेरी ममता का ही, जो एक के बाद एक मैं तुम्हारी सभी भूल क्षमा करती गई। सर्वप्रथम तुमने रंगोली की सुंदरता को खंडित किया, जिसे मैंने तुम्हारा भोला योगदान समझा। फिर जब तुमने रसोई गृह में धूल को प्रवाहित किया, उसे मैंने तुम्हारे बाल्यपन का परिणाम समझा। फिर तुमने विधि के विपरीत जाकर स्वामी की पूजा की, उसे भी मैंने तुम्हारी भोली भक्ति समझकर स्वीकार कर लिया। कि तो अब जो तुमने किया है गणेश, वो ना भोलापन और ना ही बाल्यपन, वो अनुशासनहीनता है जो मैं कदाचित स्वीकार नहीं करूंगी। मैं अन्य सभी भूल सह सकती हूँ गणेश, किंतु स्वामी के प्रति उद्दंडता का दुस्साहस मैं कदापि नहीं सहन किंतु अनुशासनहीनता नहीं। तुम्हारे इस अनुशासनहीनता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा गणेश। माता, आपका दंड सहर्ष स्वीकार है मुझे माँ, क्योंकि मैंने जो भी किया वो आपके क्रोध को जागृत कर आपसे दंड पाने के लिए ही किया। 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 अनुशासनहीनता किसी विशेष आशय से की थी, किंतु क्यों गणेश? कहो गणेश, क्या कारण था तुम्हारे इस आचरण का? मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं ऐसा करने पर इसलिए विवश था जिससे आपके समक्ष ये सत्य उजागर हो कि ममता सुर आपकी ममता का अनुचित लाभ उठाकर कितने भयंकर पाप कर रहा है, और आप अपने कठोर रूप में प्रकट होकर उसे अनुशासित करें। माँ, आपके समक्ष भोलेपन और असहायता का स्वांग कर ममतासुर अपनी कुटिलता और क्रूरता को आपकी दृष्टि से छिपाने में सफल हो रहा था। आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूं और मुझे कोई भी किसी भी प्रकार से आहत न कर सके। से निर्वस्त्र होकर पवित्र नदी में स्नान करें। वो प्राणी मात्र एक वृक्ष के समान होता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों भी इसी क्षण वृक्षों में परिवर्तित हो जाओगे। हाँ माँ, एक ओर तो वो आपसे माता का स्नेह पाकर स्वयं को सुरक्षित कर रहा था और दूसरी ओर अपने विकार से सभी को प्रभावित कर रहा था। यहाँ तक कि उसने तो अपना कुप्रभाव महाबली हनुमान जी और माता अंजना पर भी कर दिया। पुत्र, एक माँ की ममता का भाव तो अत्यंत पावन, जिसके कारण वो अपनी संतान के हित में महान त्याग करने के लिए तत्पर रहती है। किंतु ममता की अति जब विकार का रूप ले ले तो ना माँ का भला होता है और ना ही संतान का। मैं भी ममता से प्रभावित होकर ममतासुर की कपट और कुटिलता को देख पाने में असमर्थ हो गई। इसीलिए दंड के अधिकारी तुम नहीं हो पुत्र गणेश, वो दुष्ट ममतासुर है। वो दुष्ट ममतासुर है।
गुरुकुल यहाँ तो शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते हैं ना, तो फिर इन्हें तो वही शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जो मैं निर्धारित करूंगा। ये क्या था? मुझे अपने लिए किसी बड़े अनिष्ट का आभास क्यों हो रहा है? किंतु मुझे तो 64 योगिनियों की रक्षा प्राप्त है, मेरा कोई अहित कैसे हो सकता है? ये योगिनी देवी मुझे इतनी क्रोधित दृष्टि से क्यों देख रही है? ये कैसा संकट छा रहा है मुझ पर? अब क्या करूं मैं? इतनी आवश्यक क्यों हो रही है ये सब योगिनियां? ये शिव पुत्र भी इन शिव गणों के साथ यहां पर पहुंच गए। मेरी सुरक्षा तो यहां से प्रस्थान करने में ही है। अपने दुर्गा रूप में क्यों आई है यहां? माते, अभी तक इसने मात्र मां की ममता ही देखी थी, किंतु अब उनका क्रोध भी देखेगा। ये उचित लाभ उठाकर मुझे ही नहीं समस्त संसार को प्रभावित करने का अपराध किया है तुमने ममतासुर, जिसका दंड अब तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। ये मात्र तुम्हारे लिए नहीं, संसार के उस प्रत्येक बालक के लिए सीख जो ममता का दुरुपयोग कर अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आज तुम्हारे उदाहरण द्वारा संसार को ये ज्ञात होगा कि तुम्हारे जैसी संतान अपने जीवन में किस प्रकार का परिणाम का सामना करने के लिए विवश होती है। के समान मैं भी इस पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर स्वयं को इस दंड से मुक्त कर सकता हूँ। ममतासुर, आज तुम्हें अपने सभी पापों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। ये दुष्ट तो भूमि में प्रवेश कर अदृश्य हो गया। इतना दुस्साहस इस दुष्ट का। गणेश, मैंने पूर्व में ही कहा था
आपकी माँ की क्रोधाग्नि और उनकी शक्ति को शांत करना अत्यंत कठिन होगा। अब कहीं उनके क्रोध के कारण समस्त सृष्टि पर ही संकट न छा जाए। माता के त्रिशूल में तो जिस प्रकार की ऊर्जा का संग्रह हुआ है, उसके प्रभाव से तो समस्त पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप समस्त जीवों को अत्यंत कष्ट होगा। क्षमा कीजिए माँ, यदि आपने अपने त्रिशूल को पृथ्वी पर लक्षित किया तो उस दुष्ट असुर का दंड समस्त सृष्टि को भुगतना होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए माँ कि ममता सुर पृथ्वी के गर्भ में जहाँ भी छिपा है, मैं उसे वहाँ से ढूंढ कर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। उचित है पुत्र गणेश, तुम मुझे शीघ्र यहाँ लेकर आओ, क्योंकि मैं ममता सुर को ममता की पवित्र भावना की अति उत्पन्न कर उसे विकार में परिवर्तित नहीं करने दूंगी। अनुज गणेश, तुमने माता को वचन तो दे दिया, किंतु हम पृथ्वी के इतने छोटे से छिद्र में प्रवेश कैसे करेंगे? माता के क्रोध के कारण एक ऐसी दुर्दशा हो गई है मेरी, अब अत्यंत सावधान रहना होगा मुझे। अब तक तो वो पृथ्वी में प्रवेश कर ना जाने कहां छुप गया होगा। अनुज, इतने लघु आकार के इस स्थान में हमें से किसी का प्रवेश करना असंभव के समान है। असंभव के समान नहीं, अब असंभव ही है। अब यहाँ पर मुझे कोई नहीं, यहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। अब तो बस एक ही व्यक्ति है जो हमें ममता सुर तक पहुँचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं गणेश जी, ऐसा कौन हो सकता है? किंतु ऐसा कौन है अनुज गणेश, जो इतने छोटे आकार के प्रवेश स्थान से हमें पृथ्वी की भीतरी सुरंगों में ले जा सकता है? बताइए गणेश जी। नागराज शेषनाग जी। धरती की ऐसी कोई सुरंग नहीं जहां शेषनाग जी ना पहुंच सके। प्रभु शेषनाग वासुकी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। प्रभु, श्री गणेश जी ने सहायता हेतु मेरा आवाहन किया है, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए ताकि इस महान क्षण का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। प्रणाम लंबोदर गणेश जी। प्रणाम। प्रणाम कुमार कार्तिकेय जी। वो ममतासुर पृथ्वी के तल के कितनी ही गहराई में क्यों ना छुपा बैठा, मैं आपको उसके निकट अवश्य पहुंचा सकता हूं प्रभु। शेषनाग जी, इससे पहले कि गणेश जी मुझे यहाँ शेषनाग जी के साथ आकर ढूंढ ले, मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए जहाँ शेषनाग जी नहीं पहुंच सकते। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने इस सेवा के लिए मुझे स्मरण किया। ममतासुर को रोकने हेतु आपका वाहन बनना मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। अद्भुत, शेषनाग जी जो स्वयं श्री हरि नारायण की शैया हैं, वो वाहन बनेंगे गणेश जी के। हे
महान शेषनाग जी, मेरा वाहन बनकर आप मेरी बहुत बड़ी सहायता करेंगे, किंतु अब हमें इस कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। जी प्रभु। स्वामी, सर्वथा दिव्य और अनूठी घटना का आरंभ हो रहा है। देवी, अब हम एक अत्यंत अद्भुत दृश्य के साक्षी बनेंगे। नाग तो जागृत कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं, अर्थात परम ब्रह्म स्वरूप हैं और संपूर्ण सृष्टि में दो ही हैं जो जागृत कुंडलिनी से सुशोभित होते हैं, एक जो उन्हें अपने कंठ में धारण करते हैं अर्थात स्वयं जगत पिता महादेव, और दूसरे हैं जो जागृत कुंडलिनी की शैया पर विश्राम करते हैं, सृष्टि के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण। और अब जागृत कुंडलिनी को अपना वाहन बनाने का सामर्थ्य रखने वाले तीसरे होंगे श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ब्रह्मदेव का कथन उचित है। प्रथम पूज्य गणेश के दिव्य अवतार के दर्शन प्राप्त करना अत्यंत आनंददायक होगा। ऐसे दिव्य दर्शन हम सभी को इस सालों की घटना के प्रत्यक्ष दर्शन करने चाहिए। अपने ममता के विकार से जगत के सभी शुभ कार्यों जो विघ्न उत्पन्न किया है उसी विघ्न में विघ्न उत्पन्न करने हेतु प्रथम पूज्य गणेश ने विघ्न राज अवतार धारण किया है। ओम गणपति विघ्न राजो लंब तुंड गजानन। आइए शेषनाग जी, अब हमें शीघ्रता करनी चाहिए जिससे हम उस दुष्ट को माँ के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। आज ममता की अति, जिसने ममता सुर के कारण ही मोह विकार का रूप ले लिया है, विघ्नराज गणेश आज उसका अंत करेंगे। कैसा महासंकट छाया मुझ पर, क्योंकि अब माता मेरी रक्षा नहीं करेंगे और ना ही गणेश जी मुझे किसी प्रकार सुरक्षित रहने देंगे। मेरा बचाव इसी में है कि मैं महानायक भंडासुर के तपस्या पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार इन सब की दृष्टि से बचा रह सकूं। यहां तो रास्ता ही बंद है, आगे जाने का तो कोई मार्ग ही नहीं।
ये भी पहुंच गए यहाँ पर। माता पिता की कठोरता भी सम्माननीय है क्योंकि उसमें संतान का हित छिपा होता है। भंडासुर, कहीं उसका तप पूर्ण तो नहीं हो गया? कहीं प्रभु महादेव इसीलिए उसे वरदान देने उसके निकट तो नहीं जा रहे?